की राजधानी दिल्ली में तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर तोड़ने वालों के विरोध में रविदास समाज के लोग शुक्रवार को इंदौर के संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। उनका कहना था कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाए और उनके समाज वाले लोगों का अपमान बंद किया जाए। शुक्रवार को इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय पर बड़ी संख्या में रविदास समाज के लोग पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित एक मंदिर को तोड़ने और मंदिर की जमीन को दान देने को लेकर ज्ञापन दिया। जैसा कि सभी को मालूम है, ऐतिहासिक श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद जो कि हमारे रविदास के समाज की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, उसको कुछ असामाजिक तत्वों सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया है। हम उसकी निंदा करते हैं। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की ओर से पूरे भारत में जो गुरु रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे व्यतीत होकर उसको हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जो वाणी और जन जन तक पहुंच रही है उसको रोकने के लिए ये कार्य किया गया है। हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। रविदास समाज इसको सहन नहीं करता है। पंजाब में और सभी प्रदेशों में, जिस तरह बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में, इसी सभी जगह हमारा रविदास समाज इसका विरोध कर रहा है। आज जो है हमारे इंदौर नगर के जो संत रविदास अनुयायी समाज के हमारे सभी साथीदार हैं, जो दिल्ली में तुगलकाबाद के अंदर एक प्राचीन रविदास मंदिर जो कि बहुत प्राचीन था, तो उसे वहां से तोड़ दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ऐसा बताया गया था, आदेश हुआ था, निर्णय हुआ था। ये समाज काफी जो आहत हुआ है तो मंदिर टूटने से, चूंकि संत रविदास जी वहां ठहरे भी थे और कुछ समय उन्होंने वहां बिताया भी था। उस मंदिर में काफी आस्था है संत रविदास समाज की। हम लोग उनसे संभाग आयुक्त आज ज्ञापन देने आए थे। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के इंदौर जिलाध्यक्ष धन्नालाल जोड़वाल ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से दिए ज्ञापन में मांग की गई है कि इनके समाज के साथ न्याय हो।